अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैसल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्यूब। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूं फ्रोनस सोलर इन्वर्टर में आने वाले फॉल्ट, जिससे कि हमको पता चल सकेगा कि हमारे इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 07। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा होता है जब हमारे इन्वर्टर पर ओवरलोड चल रहा हो, यानी हमारा इन्वर्टर पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड चल रहा हो, उस वजह से ये एरर कोड शो करता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 06। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर तब शो होता है जब हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो ज़्यादा हो जाए। जो इन्वर्टर आगे वोल्ट निकाल रहा होता है आउटपुट के, वो ज़्यादा हो जाए, उस वजह से ये 06 का एरर शो करता है। दोस्तों, हमारा जो अगला रिकॉर्ड है वो है 05। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर तब शो हो रहा है जब हमारे इन्वर्टर की आउटपुट लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाए। कई बार ये 05 का एरर तब भी शो हो रहा होता है जब हमारे इन्वर्टर ओवर हीट हो जाए, ओवर टेम्परेचर हो जाए, उस वजह से भी हमारे इन्वर्टर पे 05 का एरर शो करता है। यानी दो किस्म के फॉल्ट से ये एरर कोड शो होता है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट और ओवर टेम्परेचर की वजह से भी ये 05 का एरर कोड शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 04। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो हो रहा होता है जब हमारी बैटरी के वोल्टेज डाउन हो जाए, यानी हमारे इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड चलने की वजह से बैटरी के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, उस वजह से ये हमारे इन्वर्टर पर 04 का एरर कोड शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 03। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो होता है जब हमारे बैटरी के वोल्टेज ज़्यादा हो जाए, बैटरी हमारी ओवरचार्ज हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सेटिंग होती है बल्क वोल्टेज, उसकी सेटिंग ठीक नहीं हुई होती, ज़्यादा वोल्टेज पर सेटिंग होती है, तो उस वजह से ये हमारे इन्वर्टर पर ओवरचार्ज का एरर कोड शो हो जाता है। हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 02। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर पे एरर कोड तब शो हो रहा होता है जब हमारा इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो जाए, ज़्यादा हीट अप हो जाए, उस वजह से ये एरर कोड शो होता है 02। दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 01। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो होता है जब हमारे इन्वर्टर पे जो दो पंखे लगे होते हैं, कई इन्वर्टर में एक लगा होता है, कुछ इन्वर्टर में दो लगे होते हैं, ये दोनों लॉक हो जाएं या एक भी लॉक हो जाए, चले ना, कुछ कचरा वगैरह की वजह से रुक जाएं, उस वजह से ही हमारे इन्वर्टर में 01 का एरर कोड शो होता है। दोस्तों, हमारा जो अगला एरर है वो है BP। दोस्तों, ये एरर कब तब शो होता है हमारे इन्वर्टर पे जब हमारे इन्वर्टर के साथ बैटरी अटैच ना हो, बैटरी साथ ना लगाई हो, तब ये इन्वर्टर के डिस्प्ले पर एरर शो होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा बैटरी ब्रेकर है वो ख़राब हो जाए, उस वजह से भी एरर शो होता है। हमारे जो बैटरी के टर्मिनल लगे होते हैं उनमें कार्बन बन जाए, क्योंकि वो उनमें कार्बन बन जाता है, उस वजह से ये हमारे इन्वर्टर के साथ बैटरी अटैच नहीं होती, उस वजह से भी ये एरर कोड शो हो जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 51। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो होता है जब हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा, उस पर ज़्यादा एम्पेयर का झटका लगे, उस वजह से ये हमारे इन्वर्टर पर एरर कोड शो होता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला एरर कोड है वो है 52। दोस्तों, ये हमारे इन्वर्टर में एरर कोड तब शो होता है जब हमारी वापडा के वोल्टेज बहुत कम हो जाए, वापडा के वोल्टेज लो हो जाए, उस वजह से ये हमारे इन्वर्टर में
ایرر کوڈ شو ہوتا ہے، یعنی کہ یوٹیلٹی وولٹیج از ٹو لو۔ تو دوستو ہمارا جو اگلا ایرر کوڈ ہے وہ ہے 59۔ دوستو یہ ہمارے انورٹر میں ایرر کوڈ تب شو ہوتا ہے جب ہمارے انورٹر کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ سولر پیٹل لگا دیں، اس وجہ سے یہ انورٹر پہ ایرر کوڈ شو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہمارے انورٹر کی جو وولٹیج رینج ہے وہ 450 وولٹ ہے اور ہم اس پر 500 وولٹ 550 وولٹ دے دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ ایرر کوڈ شو ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمارا جو اگلا ایرر کوڈ ہے وہ ہے 58۔ دوستو یہ ہمارے انورٹر میں ایرر کوڈ تب شو ہوتا ہے جب ہمارے انورٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کے وولٹیج بہت کم ہو جائے، اس وجہ سے یہ ہمارے انورٹر پر 58 کا ایرر کوڈ شو ہوتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں اور ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔